एक गेम चेंजर है ये नई तकनीक सेक्स्ड सीमेन। हमारे देश में बछड़ों और अन्य उत्पादक पशुओं की संख्या दुधारू पशुओं की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है और यह बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या के मद्देनजर सरकार ने बछड़ों की संख्या को सेक्स्ड सीमेन तकनीक से नियंत्रित करने की योजना बनाई है, जिसके द्वारा बछड़ों की जन्म दर कम करके बछियों की जन्म दर बढ़ाया जाना है। सेक्स्ड सीमेन वह सीमेन होता है जिसका दुधारू पशुओं में प्रयोग करके 90% से अधिक बछिया पैदा की जाती है। क्यों जरूरी है ये? दूध उत्पादन में हमारा देश विश्व में नंबर 1 है, किंतु पशु दुग्ध उत्पादकता में हम विकसित देशों की तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं। दुधारू पशुओं की अधिकतम संख्या हमारे देश में है, पर उनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता अत्यंत कम है। कृषि में यंत्रीकरण बढ़ने से बछड़ों की उपयोगिता बहुत घट गई है, जिससे निराश्रित पशुओं की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। हमारे देश में गोवंश पशुओं का वध करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की योजनाओं की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। उद्देश्य क्या है? सेक्स्ड सीमेन के उपयोग का उद्देश्य दुधारू पशुओं का वर्गीकृत वीर यानी सेक्स्ड सीमेन में उत्पादित कर गायों या भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार करते हुए लगभग 90% मादा पशुओं को पैदा कर व नर पशुओं की संख्या नियंत्रित कर दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। यह किसान की आय बढ़ाने की दिशा में लिया गया एक क्रांतिकारी कदम है। चूंकि बैलों की उपयोगिता बहुत घट गई है, वे दूध नहीं देते और अब उनको अधिकांश स्थानों पर कृषि कार्यों व यातायात के साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इनका ये कार्य ट्रैक्टर करने लगे हैं, इसलिए किसान उन्हें भार मानकर सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। अत्यधिक संख्या में मौजूद बैल तथा अनुत्पादक पशु न केवल उपलब्ध चारे का बड़ा हिस्सा चट कर जाते हैं, बल्कि उनकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि सड़कों पर उनका जमघट लगा रहता है, जिसके कारण अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। इस कारण सेक्स्ड सीमेन की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। सेक्स सीमेन है क्या? पशुपालकों की इच्छा अनुरूप संतति प्राप्ति हेतु कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग किए जाने वाले वीर स्ट्रास को सेक्स्ड सीमेन कहा जाता है। प्रायः कृत्रिम गर्भाधान में सामान्य वीर स्ट्रास के उपयोग से 50% नर व 50% मादा संततियां उत्पन्न होती हैं, किंतु सेक्स्ड सीमेन के उपयोग से लगभग 90% मादा व 10% नर संततियां उत्पन्न होती हैं। सामान्यतया सेक्स्ड सीमेन का उपयोग मादा संततियों की प्राप्ति हेतु ही किया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हैं? मानव की भांति गाय के सीमेन में भी XX सेक्स क्रोमोसोम्स और बैल के सीमेन में XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। उदाहरण के लिए, जब गाय का X और बैल का Y क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तब बछड़ा पैदा होता है। जब गाय का X क्रोमोसोम्स और बैल का भी X क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, तो बछिया पैदा होती है। जब हम नस्ल सुधार हेतु उन्नत पशुओं का सीमेन लेकर गाय में डालते हैं, तो इसे प्राकृतिक तरीके से कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। जब हम बैल के सीमेन को प्रोसेस्ड करके प्रयोग करते हैं, तो इसे सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। प्रोसेस्ड सीमेन या सेक्स्ड सीमेन में हम बैल के सीमेन से वाई क्रोमोसोम्स को हटा देते हैं, यानी सोल्टिंग या उन्हें लेजर प्रयोग कर मार दिया जाता है। चूंकि अब बैल के सेक्स क्रोमोसोम्स से वाई क्रोमोसोम्स हट गया है, अतः अब XX क्रोमोसोम्स मिलने की संभावना 90% से भी अधिक हो जाती है। इस दशा में 90% से भी अधिक बछिया की ही संभावना हो जाती है, 10% बछड़ा होने की संभावना बचती है। अगर हम 10 दुधारू पशुओं में सेक्स्ड का इस्तेमाल करें, तब 9 में बछिया और 1 में बछड़े की संभावना रहती है। 10% बछड़ों की संभावना इसलिए बनी रहती है क्योंकि अनेक बार सोर्टिंग में या लेजर द्वारा उन्मूलन में वाई क्रोमोसोम्स बचे रह जाते हैं,
जिसके कारण सेक्स्ड सीमेन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करने में कभी कभी बछड़े भी पैदा हो जाते हैं। क्या है सेक्स्ड सीमेन टेक्नोलॉजी? वाई और एक्स क्रोमोसोम्स आकार, प्रकार तथा व्यवहार में समान होते हैं, इसलिए उन्हें पहचान कर अलग कर पाना मुश्किल होता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में एकमात्र बड़ा फर्क यह होता है कि एक्स क्रोमोसोम्स में वाई क्रोमोसोम्स के मुकाबले 4% अधिक डीएनए होता है। डीएनए के फर्क के आधार पर ही फ्लो साइटोमेट्री तकनीक के द्वारा एक्स और वाई क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स को पहचान कर अलग कर दिया जाता है। डीएनए की अधिकता के कारण एक्स क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम्स के मुकाबले ज्यादा ब्राइट ग्लो करते हैं। कंप्यूटर इसी ग्लो के आधार पर ज्यादा ब्राइट ग्लो करने वाले एक्स क्रोमोसोम्स को पॉजिटिव चार्ज तथा कम ग्लो करने वाले वाई क्रोमोसोम्स को नेगेटिव चार्ज से टैग करता है। अब इन स्पर्म्स को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, जहां एक्स और वाई क्रोमोसोम्स अपने चार्ज के आधार पर अलग अलग ट्यूब्स में एकत्र हो जाते हैं। मादा पशुओं का चयन कैसे करें? अधिक अच्छे परिणाम पाने के लिए सेक्स्ड सीमेन बछिया और पहली या दूसरी व्यात वाले पशुओं में करना चाहिए। गर्भाधान में मौसम की भी बड़ी भूमिका रहती है। बहुत गर्म या बहुत ह्यूमिडिटी वाला मौसम गर्भाधान के अनुकूल नहीं होता। चयनित पशु उन्नत नस्ल का हो और उसके माँ बाप की पूरी जानकारी हो।